गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर फर्स्ट, लिविंग टुगेदर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ईवीएस का चैप्टर लिविंग टुगेदर। इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वी ऑल लिव इन फैमिलीज। हम सब कहाँ रहते हैं? फैमिलीज में रहते हैं। ए फैमिली कैन बी बिग, स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। फैमिली जो है न्यूक्लियर भी हो सकती है, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है और स्मॉल फैमिलीज भी हो सकती है। जैसा कि आप में से कई लोग जो हैं अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, कुछ लोग अपने सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहते हैं, कुछ लोगों की फैमिली में उनके मम्मी पापा, चाचा चाची, ताई जी, ताऊ जी सब इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो होती है आपकी जॉइंट फैमिली। दे कैन बी बिग, स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। When parents and children live together in a nuclear family, जब पेरेंट्स और उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं तो इस टाइप की जो फैमिली होती है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। तो ये है आपकी न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स, द सिब्लिंग्स एंड कजन्स ऑल लिविंग टुगेदर। इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, वहाँ पर आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, आपके अंकल आंट, आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, आपके जो कजन्स होते हैं, वो सब क्या है, साथ साथ रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में यही डिफरेंस होता है कि जॉइंट फैमिली के अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके कजन्स, आपके अंकल आंट, ये सब लोग आपके साथ रहते हैं। जबकि अगर हम बात करें सिंगल फैमिली की, तो सिंगल फैमिली में ओनली आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। द फैमिली मेम्बर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं हमेशा। द रिलेशन कैन बी इन फॉलोइंग वेज। जो ये रिलेशन होती है ये इस तरीके से होती है, रिलेशन बाय मैरिज। ए वुमेन एंड मैन गेट मैरिड टू ईच अदर एंड स्टार्ट अ फैमिली। एक वुमेन और मैन जो होते हैं मैरी कर, शादी कर कर अपनी एक फैमिली स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बाय बर्थ। मदर जो होती है वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर द पार्ट ऑफ फैमिली। पेरेंट्स और उनके बच्चे जो होते हैं फैमिली का मेन पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशन को देख रहे हैं कि फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, फैमिली का मेन पार्ट होते हैं और उनसे आगे रिलेशन जनरेट होती है और इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है। रिलेशन बाय अडॉप्शन। सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं, अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्फेन। उनको क्या कहा जाता है, उनको ऑर्फेन कहा जाता है। समटाइम्स दे आर अडॉप्टेड बाय अ न्यू फैमिली। कई बार क्या होता है कि कोई नई फैमिली होती है या नए पेरेंट्स होते हैं, वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। दे गेट प्रोटेक्शन, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन अ न्यू फैमिली। दे गेट प्रोटेक्शन, उनको क्या है, प्रोटेक्शन, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इन द न्यू फैमिली, नई फैमिली के अंदर। एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस। एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कपल्स लीगली बिकम पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्फन। एडेप्टेशन जो होता है एक तरह की प्रोसेस होती है बाय विच कपल्स लीगली बिकम, जिसमें क्या होता है, जो कपल्स होते हैं वो लीगली उनके पेरेंट्स बनते हैं, जो कि ऑर्फन चिल्ड्रंस होते हैं उनके पेरेंट्स लीगली बनते हैं। तो ये होता है अडॉप्टेशन, जब आप किसी ऑर्फन को, कोई भी पेरेंट्स गोद लेता है और उसकी जिम्मेदारी उठाता है उसको पालने की, उसको बड़ा करने की, तो ये जो चीज़ होती है, प्रोसेस होती है, लीगली होती है और इसलिए वो जो पेरेंट्स होते हैं वो उस ऑर्फन को गोद लेते हैं और उसको पालते हैं। जो कपल या जो पेरेंट्स उन ऐसे चिल्ड्रन को अडॉप्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, फॉस्टर पेरेंट्स कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फॉस्टर पेरेंट्स। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, आवर रिलेटिव्स इन अदर अनदर होम और सिटी फ्रॉम आवर एक्सटेंडेड फैमिली। क्या होता है कि अगर हमारे कोई रिलेटिव्स हैं वो हमारी फैमिली से दूर किसी अदर सिटी में रह रहे हैं तो वो हमारी एक्सटेंड फैमिली है, एक्सटेंड रिलेटिव्स हैं।
मैटरनल रिलेटिव्स क्या होते हैं? द रिलेटिव्स ऑन द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स. जो मदर की साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको मैटरनल रिलेटिव्स कहा जाता है, जबकि जो फादर की साइड के रिलेटिव्स होते हैं उनको पैरेंटल रिलेटिव्स कहा जाता है. तो कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि मैटरनल और पैरेंटल जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. तो आपके मैटरनल वाले जो रिलेटिव्स होंगे वो आपकी मम्मी की साइड के जो रिलेटिव्स होंगे, एंड आपके फादर की साइड के रिलेटिव्स आपके पैरेंटल रिलेटिव्स होंगे. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइफ लेसन क्या होता है. देखो, ए मदर इज द वन हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर, बट उनका जो स्थान होता है उस प्लेस नो वन कैन टेक, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता. डिस्कस सम वे ड्यू टू द साइज ऑफ फैमिली चेंजेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है बेबीज कम फ्रॉम. ठीक है, जो बेबीज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? मदर गेव बर्थ, जो मम्मी मदर होती है वो क्या है, अपने बच्चे को बर्थ देती है. द बेबी स्टे इन हर स्टमक, स्टमक में जो बेबी होता है वो स्टे करता है 9 मंथ के लिए. एट दिस स्टेज द मदर इज कॉल्ड अ प्रेगनेंट वूमैन, इस स्टेज में जो मदर होती है उसे प्रेगनेंट वूमैन कहा जाता है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द अनबॉर्न बेबी इज फीड थ्रू अ कॉर्ड दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट होता है बेबी को मदर से कनेक्ट करके रखता है. द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी इन साइड हर बॉडी, जो बच्चा होता है वो जब मदर के स्टमक में रहता है, पेट में रहता है, तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसको मदर फील कर सकती है, उसको मदर फील करती है. वैन द चाइल्ड इज बोर्न इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में वो बहुत छोटा होता है, वो कोई भी एक्टिविटी खुद से नहीं कर सकता, सेल्फ से नहीं कर सकता है. इट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय हर मदर, इट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द मदर, ये देखा जाता है जब बच्चा जो होता है उसका बर्थ होता है तो उसकी जो मदर होती है वो उसको फीड करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है. एनिमल्स में भी सेम इसी तरीके का प्रोसेस होता है, एनिमल्स भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं. जैसे जो हैन होती है वो क्या करती है, एग की फॉर्म में बच्चों को बर्थ देती है. सन एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन किड लाइक डॉग हॉर्स एंड एलिफेंट. ठीक है, फैमिली वैल्यूज, अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल, हमारे जो फैमिली होती है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है लाइफ का. वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं. हमारी जो फैमिली होती है वो हमको सिखाती है वैल्यू टू ग्रो इन टू द गुड थिंग्स, कि हम अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें. तो कुछ मोरल वैल्यूज जो हम फैमिली में रह के सीखते हैं, सम ऑफ देम आर ओबेइंग अवर एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनकी ओबे करना, उनका जो कहना मानना होता है वो हम अपनी फैमिली में रह के सीखते हैं. टू स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना, नॉट टू स्टील थिंग्स, हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हम अपनी फैमिली में रहकर सीखते हैं. नॉट टू डैमेज अवर बुक्स, हमें अपनी बुक्स खराब नहीं करनी चाहिए और दूसरों की भी नहीं करनी चाहिए. तो ये कुछ मोरल वैल्यूज होती हैं जो कि हम अपनी फैमिली में रहकर सीखते हैं. फैमिली टीच वैल्यू टू द चिल्ड्रन, फैमिली अपने बच्चे को अपनी वैल्यूज करना सिखाती है. तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने देखे, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे. तब तक आप इन सबको पढ़कर अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के लर्न करेंगे और रिवीजन करेंगे.